So I hope you all have gone through all the 6 lectures that we have conducted so far in the topic units and measurement. And in the last class, we also discussed about the third application of method of dimension, that is to deduce a formula or to derive a formula. They would just tell you that this physical quantity depends on so many other quantities. Depends. When they say depends, it can be either directly or inversely. Then we assume the power. If the power comes out to be positive, directly proportional. If the power is negative, we say it is inversely proportional. And the steps involved were, first thing that we were going to do is we'll assume, form equation number 1. In step 2, we'll find dimensions of all the quantities. Step 3, put all the dimensions in equation number 1. Then simplify the equation, indices wala method. Then comparing the powers on both the sides, you will get value of all the unknowns, x, y, and z we had taken. Put the values in equation 1 and you'll get the formula. The only limitation that we had with respect to this method is, if a number is involved, we will not be sure about that number or the value of that number. और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये होता है बच्चों, जब अगर वो कांस्टेंट जो इन्वॉल्व है वो अगर एक यूनिट वाला कांस्टेंट है तो ग्रेविटेशन का मेथड आपका फेल हो जाता है, सॉरी ड्राइव, आई एम सो सॉरी, डायमेंशन वाला मेथड आपका फेल हो जाता है, ठीक है। सो कुछ लिमिटेशंस है उस मेथड के, और यही आप आगे फिजिक्स में पढ़ोगे कि वो लिमिटेशंस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं बच्चों। अब तक हमने फर्स्ट पार्ट देखा था जहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उनके यूनिट्स, डायमेंशंस कैसे फाइंड करते हैं, और मेथड डायमेंशंस के 3 एप्लीकेशंस हमने देखे। सेकेंड वाला जो पार्ट है, इट इज़ मोर रिलेटेड टू योर कॉलेज प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट्स और द कैलकुलेशंस दैट वी विल कम अक्रॉस इन फिजिक्स। सो ये बच्चों यहाँ पर बात हो रही है अबाउट एक्यूरेसी एंड एरर। तो मोस्टली मैं एरर्स के बारे में बात करूँगा। डेफिनेटली अगर मुझे एरर को कम रखना है तो सीधी सी बात है बच्चों, एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, या उल्टा अगर मैं एक्यूरेसी ज़्यादा करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली एरर कम से कम होना चाहिए। देखो प्रॉब्लम क्या बच्चों, फिजिक्स जो अपना सब्जेक्ट है वो बिलीव करता है ऑब्जर्वेशंस में और उन ऑब्जर्वेशंस को मैच करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम। हर एक्सपेरिमेंट्स में हम कुछ मेजरमेंट करते हैं, अब हमारे पास मेजरमेंट के बाद एक आती है मेजर्ड वैल्यू, मतलब जो वैल्यू हमको मिली वो, और एक उसकी होती है एक्चुअल वैल्यू जो सच में वैल्यू होनी चाहिए। अब सोचो अगर बच्चों मेजर्ड वैल्यू और अगर एक्चुअल वैल्यू दोनों सेम हो गई, यानी आपका एक्सपेरिमेंट सुपर्ब है, यानी आपने एकदम सही तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, और अगर मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों मैच नहीं करती है, उनमें थोड़ा सा मिसमैच है, तो उसी को हम एरर बोलते हैं। क्या जो मैंने बोला वो समझ में? फिर से, फिजिक्स डील्स विद ऑब्जर्वेशंस, टू अंडरस्टैंड दोज ऑब्जर्वेशन थ्योरेटिकली विल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, इन दोज एक्सपेरिमेंट विल डू मेजरमेंट, बेस्ड ऑन दैट मेजरमेंट विल हैव अ मेजर्ड वैल्यू, और उसी चीज की एक एक्चुअल वैल्यू भी होती है। अब सोचो अगर एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू सेम आ जाए, यानी आपका एक्सपेरिमेंट सुपर्ब है, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, पर अगर मान लीजिए मिसमैच हो जाए तो हम बोलेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ एरर हुआ है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। सो अब ये एरर किस किस वजह से हो सकते हैं, ये एरर को हमने कैसे डिवाइड किया है या कैसे क्लासीफाई किया है, वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो इफ यू वॉन्ट आप इसको छोटे से नोट कर सकते हो, हालांकि ये कोई आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, बट ये रिविजन के लिए काम आता है। फिजिक्स इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट्स वी डू मेजरमेंट, आफ्टर मेजरमेंट विल गेट अ मेजर्ड वैल्यू, इफ द मेजर्ड वैल्यू इज सेम एज दैट ऑफ एक्चुअल वैल्यू देन द एक्सपेरिमेंट इज एक्यूरेट, इफ इट इज नॉट डेफिनेटली आपके एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ तो एरर है, ठीक है। तो स्क्रीन को आप पॉज कीजिए बच्चों और इसको आप नोट कर सकते हैं। अच्छा अब ये जो बच्चों, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ठीक है ना, कि किसी ने मुझे एक थ्रेड दिया, थ्रेड, और इसकी एक्चुअल वैल्यू किसी को पता है कि दिस इज अराउंड 20.5 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल वैल्यू। अब मैंने ये थ्रेड की मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल यूज करी, ठीक है,
ठीक है, आई होप सबने स्केल देखी है. सो ये मेरी स्केल है जिससे मैं मेजर कर रहा हूँ. अब किसी कारण से दिस इज हाउ आई विल ड्रॉ स्केल सो दैट हमारी समझने में आसानी हो. ये स्केल है. अब बच्चों मैंने जब ये लेंथ मेजर करा तो मुझे लेंथ का वैल्यू आया 20.4 सेंटीमीटर. सो मेरी मेजर्ड वैल्यू क्या है 20.4 और एक्चुअल वैल्यू क्या है 20.5. यानी देर इज सम गड़बड़ इन माई मेजरमेंट. उसका रीजन जो भी था वो हम देखेंगे, बट एरर है या नहीं है, है. अब मेरी जो वैल्यू आई है वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है या कम है? कम है ना, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एरर. मतलब मैं एक टर्म यूज करने वाला हूँ बच्चों, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है. बट सोचो कि अगर यही एक्सपेरिमेंट मैं आपको करने के लिए बोलूँ और मान लीजिए आपसे वैल्यू आती है सेम उतनी ही स्ट्रिंग की, आपको लेंथ आ रही है 20.6, तो आपकी भी वैल्यू तो एक्चुअल नहीं है ना, आपका भी तो एरर है, पर आप जो एक्चुअल है उससे ज़्यादा बता रहे हो. सो नाउ द एरर इज पॉजिटिव. यानी बच्चों जब हम एरर मेजर करते हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो उसकी जो मेजर्ड वैल्यू आती है अगर उसमें एरर है तो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कम है या जो मेजर्ड वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है कि द एरर इज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा था. ठीक है, क्लियर बच्चों? ये इसीलिए जब हम वैल्यू लिखते हैं तो प्लस और माइनस लिखेंगे, बताऊंगा मैं टाइम आने पर. फिलहाल अगर ये वाला पार्ट नहीं भी क्लियर है डू नॉट वरी अबाउट इट, ये सबको क्लियर है. कि फिजिक्स इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. फॉर एक्सपेरिमेंट्स वी डू मेजरमेंट, फॉर मेजरमेंट वी गेट मेजर्ड वैल्यू एंड देयर विल बी एन एक्चुअल वैल्यू ऑल्सो. अब मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यूज अगर मैच नहीं कर रही है सो देयर इज एन एरर. ये एरर किस किस वजह से आ सकते हैं उसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि एरर आने के रीजन क्या हो सकते हैं. ओके, जैसे आप सोचो बच्चों, अगर हम क्लासरूम में होते तो मैं ये आपसे ही पूछता. बिल्कुल सही सोचा आपने कि सर वो तो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है ना. सो एरर आने के रीजंस क्या हो सकते हैं, व्हाट आर रीजंस फॉर एरर? ठीक है ना, रीजंस के एरर्स क्या हो सकते हैं? पहला, क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड. अगर आप सही इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करोगे तो एरर तो आने ही वाला है. दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, सोचो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इसी के आसपास घूमना है, एक तो इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी, एक जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी भी तो गड़बड़ी हो सकती है. यानी जो पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है अगर वो स्किल नहीं है, ही इज नॉट मतलब जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है अगर उसको सही तरीके से करने ही नहीं आ रहा है या उसको तरीका नहीं पता है तो भी तो गड़बड़ हो सकती है. और क्या लगता है बच्चों आपको? हाँ, एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो आपने मेथड यूज किया वो यानी कि जैसे मैं आप बताऊं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने घर से आपका जो स्कूल था वहां तक का डिस्टेंस मेजर करो बाय यूजिंग दैट स्मॉल स्केल, 15 सेंटीमीटर वाला स्केल. हंसी आई ना आपको? आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस मेजर करो यूजिंग दैट स्मॉल 15 सेंटीमीटर वाला स्केल. अब सोचो आप जो एक्सपेरिमेंट करोगे वो स्केल परफेक्ट है, आप भी एकदम ऑनेस्टी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप स्किल्ड भी हो उसमें, फिर भी एरर आ सकता है. क्यों? क्योंकि वो जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो वो सही नहीं है ना उस चीज़ के लिए. उसके लिए मेजर टेप लेनी चाहिए. जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा या जो तरीका आप फॉलो कर रहे हो छोटे स्केल से इतना बड़ा डिस्टेंस मेजर करना, वो भी सही नहीं है. सो ये भी रीज़न हो सकता है. इसके अलावा देर आर ऑलवेज सम एक्सटर्नल फैक्टर्स. विल
which can affect results of the experiment. जैसे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहो जिसमें पूरे एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए जरा भी, 28 डिग्री सेल्सियस यानी 28 डिग्री सेल्सियस ही पूरे एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर उतना रहना चाहिए। सोचो अगर जैसे राइट नाउ समर सीजन है और मान लो टेम्परेचर 28 का 30 हो गया, अब ये तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। सो देयर विल बी सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, या सर हम तो एयर कंडीशन में करेंगे या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करेंगे। चलो मान लीजिए आप 28 पर एसी सेट करके कर रहे हो, पर एसी को जो पावर मिल रहा है वही फ्लक्चुएट हुआ तो, या एसी काम करना गड़बड़ कर दे। सो दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स विच मे अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। सो दीज आर फोर प्रोबेबल रीजंस फॉर एरर इन एनी एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज, सेकेंड स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, थर्ड यू कैन से दैट द मेथड यूज फॉर द मेजरमेंट, and fourth as you can see on the board external factors affecting the results of the experiment। so ye kuch reasons hai bachcho jo aapke experiment ke results ko affect karte hain। ab humne errors ko kya kara hai, in four points ke hisab se humne error ko do type mein divide kara hai, theek hai, ye aap screen ko pause karke please note kar lo। error ko humne do part mein divide kara hai, pehla jo type hai students उनको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर ये मोस्टली जो पहले तीन पॉइंट थे, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्किल ऑफ द पर्सन एंड द मेथड यूज फॉर द एक्सपेरिमेंट, उससे रिलेटेड है सिस्टमैटिक एरर। आपने जैसे चार पॉइंट करे, चार में से जो पहले तीन पॉइंट है वो सिस्टमैटिक एरर के अंडर आते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स में जो सबसे पहला वाला एरर हम गिनते हैं, दैट इज नोन एज इन सिस्टमैटिक एरर, द फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर अब इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या हुआ, ये बच्चों आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आई एम अज्यूमिंग कि आप सबने अपने स्कूल लाइफ में करंट मेजरिंग डिवाइस यानी एमीटर देखा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस यानी वोल्टमीटर देखा होगा। अच्छा, इन केस जिसने देखा है वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो आपने कार में या बाइक में या आपकी स्कूटी पर एक स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड मेजर करता है, याद है कुछ मैं किसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, अब इसमें ये जो एरर है बच्चों, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसमें मैंने कहा था इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी हो सकती है। अब ये इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसका डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अब सर इतने बड़े वर्ड का मतलब क्या है, डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या हुआ। अब जैसे मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर एमिटर में से करंट पास नहीं हो रहा है तो उसका पॉइंटर कहां होना चाहिए, जैसे ये वो स्केल होगी जो स्पीडोमीटर, जिसमें यहां जीरो होगा, फिर कुछ डिवीजन 1 2 3 4 5 होगा, फिर 6 7 8 9 10 होगा, फिर 11 12 13 14 15 होगा, याद है सब, 16 17 18 19 20 होगा, 1 2 3 4 5 25 होगा, लाइक दैट 26 27 28 29 30 होगा। अब आइडियली स्पीकिंग बच्चों जब इसमें से करंट पास नहीं हो रहा है तो ये इंस्ट्रूमेंट कैसे कैलिब्रेटेड होना चाहिए, कैलिब्रेशन का मतलब होता है उसकी सेटिंग। ओके, सो अब मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि बिना करंट पास किए ही पॉइंटर जीरो पर होना चाहिए, पर ऑलरेडी वो कुछ रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब अब इसमें से जब करंट पास हुआ और सपोज वो पॉइंटर यहां शिफ्ट हो गया तो हमको क्या लगेगा, करंट इज सपोज स्केल मिली एम्पियर में है, so we'll take the reading to be 15 milliampere। क्या सच में बच्चों reading 15 milliampere है, नहीं ना, reading will be something else। so ये ऐसा नहीं होना चाहिए। so हम बोलेंगे यहाँ पे आपका instrument बराबर से calibrated नहीं है, या मान लो weighing machine जिसपे आप अपना weight देखते हो उसमें जब कुछ नहीं है, when there is no weight attached to it, उसका reading क्या होना चाहिए, बोलो, zero।
आप सोचो ऑलरेडी कुछ रीडिंग बता रहा है 5 kg और आपको उस पर खड़ा कर दिया, एंड सपोज आपका वेट इज 45 kg, आई एम अज्यूमिंग, सो उसकी रीडिंग ओरिजिनली 5 जो कि नहीं था, प्लस 45 50, वेर इज योर एक्चुअल वेट इज ओनली 45, सो जो रीडिंग बता रहा है उसमें गड़बड़ी है. सो ये जो गड़बड़ी है ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर. डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आएगा वी कॉल इट इज व्हाट, इंस्ट्रूमेंटल एरर. इज दैट क्लियर? दूसरा, अच्छा इसको प्लीज आप डायग्राम के साथ नोट कर लीजिए. अगर वेइंग मशीन की मैं बात करूं, इन केस वेइंग मशीन आप विजुलाइज करना चाहो तो उसमें ऐसे डायल होगा, कुछ भी अटैच नहीं है तो भी इस पे रीडिंग आ रही है. सपोज ये 0 है उसका, इट इज शोइंग यू सम रीडिंग. ये पॉइंटर ऑलरेडी यहां पर है, होना चाहिए 0 लेकिन वो कुछ रीडिंग ऑलरेडी दे रहा है, सो ये भी गड़बड़ी है. दैट इज अ फर्स्ट प्रॉब्लम. ठीक है, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एरर, ये प्लीज नोट कर लीजिए, आई एम गिविंग यू टाइम. नो सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट मेजरिंग टेक्निक ऑफ द पर्सन. जो ऑब्जर्वर है उसका तरीका ही सही नहीं है मेजरमेंट करने का, तो आपके मेजरमेंट में एरर आने ही वाला है. जैसे बच्चों मैंने, अच्छा एक लिक्विड को मेजर करने के लिए सपोज करें कि हमने ऐसे एक ट्यूब है जिसमें हम कोई भी सॉल्यूशन या लिक्विड की क्वांटिटी डाल सकते हैं और इस पर ऐसे स्केल कैलिब्रेटेड है या ग्रेजुएटेड है ऐसे, ये मार्किंग से उसके ऊपर. अब इसमें अगर मैंने लिक्विड को फिल करा तो इसकी वॉल्यूम मुझे ये रीडिंग से पता चलती है या जो भी रीडिंग होगी वो. तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग द लिक्विड क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, बाय होल्डिंग द ट्यूब वर्टिकली. अब सोचो किसी ने मेजरमेंट करा पर उसने ट्यूब को वर्टिकल नहीं रख करके ऐसे रखा, हल्का सा टिल्ट कर दिया. अब जो मार्किंग है वो तो ट्यूब के साथ ही, अभी भी समझ में. अब इसमें लिक्विड का शेप थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा. अब उसकी रीडिंग आप ये कर भी देख सकते हो घर पर, अब उसकी रीडिंग कुछ और आएगी जो एक्चुअली उससे गड़बड़ आ रही है, उसी लेवल पर नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया है वो. समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? सो ये जो गड़बड़ है ये किसकी वजह से है? करना चाहिए था, अब इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी नहीं है, वो तो उसकी स्केल बराबर है, पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने उसको वर्टिकली पकड़ के इंक्लाइन कर लिया, तो ये जो गड़बड़ी है दैट इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट मेजरिंग टेक्निक. इट इज अ सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर. तीसरा जो एरर है बच्चों, जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं पर्सनल एरर. पर्सनल एरर मतलब ये आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा जब आप कॉलेज में प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे तब. कैसे सर, कैसे पता चलेगा? बच्चों आपको कॉलेज में एक ही एक्सपेरिमेंट को बहुत बार करने के लिए बोला जाएगा, क्यों तो वो भी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ. एक ही रीडिंग 3 बार 5 बार 6 बार लेने के लिए आपको बोलेंगे, एंड ऑब्वियस सी बात है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, स्पेशली जब आपका लास्ट पीरियड प्रैक्टिकल्स का होगा और आपको घर जाना होगा, एंड द टीचर विल टेल यू नहीं ये रीडिंग बराबर नहीं, 4-5 रीडिंग और लो, यू विल नॉट लाइक इट. तो उस वक्त आप बिना मन के एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, समझ में. और जब आप, ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि जो ऑब्जर्वर है ही इज नॉट इंटेंडेड टू टेक दैट रीडिंग,
स्टिल अगर उसको वो करना पड़े तो वो केयरलेस होगा, वो इतना इंटरेस्ट से नहीं करेगा, उस वजह से भी एरर आएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल एरर। आई बात समझ? जैसे एक स्केल है सपोज, ऐसे अच्छा ये मैं लाइव आपके साथ कर सकता हूँ, वेन एवर यू सी दिस वीडियो आप प्लीज ऑनेस्टी के साथ ये आंसर देने की कोशिश करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ऐसे मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक मार्क है सपोज दिस इज टू, इसके नजदीक में एक मार्क है सपोज वन, और सपोज करो कि यहां एक मार्क है थ्री। ओके, अब इसके आगे एक पॉइंटर है, पॉइंटर ठीक है, ये पेन एक पॉइंटर है, ऐसे आई होप आपको दिख रहा है। अब आप अपने घर पर जिस भी सिचुएशन में हो, हाँ अब आप मुझे बताओ ये रीडिंग क्या होनी चाहिए, ये जो पेन है ये पॉइंटर वो इस स्केल के ऊपर जो बैकग्राउंड में मैंने ब्लैक कलर से मार्क करा है, दिस इज स्केल, ये ऐसे जो स्केल होती है ना, ये जीरो फिर वन टू थ्री फोर फाइव, चलो इसमें करते सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, फिर सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, ये स्केल है। चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि ये जो पॉइंटर, ये पॉइंटर है पेन इज द पॉइंटर, ये कौन से डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, नाउ यू विल गेस। सर मुझे लग रहा है फाइव है, फाइव और टेन के बीच में, कोई ऐसा बोलेगा बोलेगा मुझे एग्जैक्ट बताओ, तो क्योंकि सर मुझे टेन लग रहा है। अब आप अपने घर पर ही खड़े खड़े, अगर पहला आपका सिचुएशन ऐसा था, आई होप मुझे देख पा रहे हो, अगर आपकी सिचुएशन पहले ऐसी थी, हल्का सा आप अपने आप को राइट एंड लेफ्ट में टिल करके देखो, ऐसे किसी एंगल से उसको देखो। अगर आप इस तरफ से देख रहे हो तो आपको उस तरफ शिफ्टेड मतलब 10 से ज्यादा रीडिंग लगेगी, और अगर आप इस अपोजिट साइड से देख रहे हो तो आपको रीडिंग 10 से कम लग रही होगी। प्लीज ये ट्राई करो तो आपको सीखोगे। अब गड़बड़ कौन कर रहा है, पॉइंटर वहीं पर है, स्केल उधर ही है, जो ऑब्जर्वर है वो सही तरीके से मेजर नहीं कर रहा है, उसको मेजर करना चाहिए था ऐसे, कैसे, एकदम ऊपर से उसको रीडिंग, एकदम स्ट्रेट रख करके उसको देखना चाहिए। अगर आप किसी एंगल से व्यू कर रहे हो तो आपको रीडिंग सही नहीं आएगी, या आप केयरलेसनेस की वजह से कर रहे हो, वैसे नहीं होना चाहिए। तो ये टाइप के जो एरर है, जो ऑब्जर्वर है उसकी वजह से हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पर्सनल एरर, ठीक है। या जो ऑब्जर्वर है वो बायस्ड है, उसको कम बताना है रीडिंग, ज्यादा बताना है रीडिंग, होता है कई बार ऐसे। सो इस तरह के जो एरर उनको बोलेंगे पर्सनल एरर। तो मैं फिर से बताता हूँ बच्चों, एरर में दो टाइप के एरर है, पहला है सिस्टमैटिक एरर, इसमें तीन सब टाइप था, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट मेजरिंग टेक्निक एंड द पर्सनल एरर। जो सेकेंड टाइप के एरर है, जो जिनको हम हमारे कंट्रोल के बाहर है, उनको हम कहते हैं रैंडम एरर्स, जो मैंने टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल दिया था। तो सेकेंड टाइप ऑफ एरर्स आर रैंडम एरर्स, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, वी कॉल देम एज रैंडम एरर्स। मैं आपको बताता हूँ, देखो बच्चों शायद आप समझो इसको, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ऐसे एक रजिस्टर है जिसका वैल्यू 10 ओम है, इसके साथ सीरीज में एक एमीटर है, और यहाँ पर एक सोर्स है, सोर्स सर ये सोर्स क्या होता है, आप सबके घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा जहां से सप्लाई आती है, स्विच बोर्ड नहीं जहां पे स्विच लगे होते हैं, जहां से एमएससीबी या जिस भी एरिया में आप रहते हो उनकी सप्लाई आपको मिलती है, तो दैट इज अ सोर्स। अब मान लीजिए सोर्स की स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम सबको पता है वो 220 वोल्ट, ऐसी एक वैल्यू मैंने ले ली, रोज इतनी होती है उसकी वैल्यू। अभी एमीटर कितना रीड करना चाहिए, एमीटर रीड्स करंट, करंट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज ये रखा है 220 और रेजिस्टेंस है 10, तो यार है 22 एम्पीयर्स। पर सोचो जो जहां से सप्लाई आ रही है गवर्नमेंट की या जो एमएससीबी की सप्लाई है, उसी में पावर फ्लक्चुएशन हो गया, कुछ तो हो गया कि जो 220 वोल्ट है ये अचानक से 240 हो गया, तो आपका जो एमीटर बेचारा जो कि एकदम परफेक्ट है, आप भी एकदम मन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर भी इस वेरिएशन की वजह से क्या करंट 24 एम्पीयर का रीडिंग आएगा? अभी एरर ही हुआ ना, ये किसकी वजह से हुआ, इसके चेंज होने की वजह से जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नोन एज
रैंडम एरर्स. ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया समझाने के लिए कि जो पावर सप्लाई वही अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, पावर सप्लाई मतलब जिससे आपको सप्लाई आ रही है, जहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है, जहाँ से करंट आ रहा है, अगर वही वेरिएबल है तो फिर आपकी रीडिंग कैसे सही आएगी? तो इसको हम बोलेंगे रैंडम एरर्स. आर वी क्लियर? या जो मैंने कहा था एक्सपेरिमेंट 30 डिग्री सेल्सियस पर ही होना चाहिए, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट है, पर अगर सडनली गर्मी बढ़ गई और 32 हो गया तो इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल. आपका इंस्ट्रूमेंट सही था, आपकी टेक्निक सही थी, आप भी सच्चे मन से कर रहे थे, पर ये अचानक से टेम्परेचर चेंज हो गया. तो ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे? रैंडम एरर्स. सो एरर कितने टाइप के बच्चों? दो, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स. सिस्टमैटिक एरर में कितने हैं? तीन, डिफेक्टिव कैलिब्रेटिंग कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटल एरर, फॉल्टी मेजरिंग टेक्निक या केयरलेसनेस, पर्सनल एरर. एंड देन द सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज रैंडम एरर. ठीक है, ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, आपको हेल्प होगा. ठीक है, नाउ वी शैल प्रोसीड फर्दर. और इसी से रिलेटेड अब एरर तो आने वाले हैं. आप और मैं एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं बच्चों, याद रखना मेरी बात. हम एरर को प्रैक्टिकली स्पीकिंग जीरो नहीं कर सकते. वी कैन ऑलवेज मेक एन अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द एरर. हाउ कैन वी मिनिमाइज द एरर? हम एरर को कम से कम कैसे कर सकते हैं? इसीलिए ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ. और अब जो हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, वो बहुत ही कॉमन है. आप कोई भी कॉलेज में हैं, आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है. इट इज कैलकुलेटिंग द एरर. एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बच्चों इसमें पहले कुछ टर्म्स है जो आज के सेशन में हम करेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको पढ़ेंगे, बट पहले कुछ टर्म्स है जो हमारे एकदम क्लियर होने चाहिए बहुत अच्छे से. अब एरर को बच्चों कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी भी मेजरमेंट में यू टेक लॉट ऑफ रीडिंग्स. कोई भी मेजरमेंट जब आप करोगे आप उसमें बहुत सारे रीडिंग्स लोगे. पहले समझो क्यों करना, मैं बताता हूँ. तो याद रखना, एरर को कम करना है तो जो भी एक्सपेरिमेंट आप करो उसमें बहुत सारी रीडिंग लेनी चाहिए. इसीलिए कॉलेज के टीचर आपको बोलेंगे ज़्यादा रीडिंग लो. फिर ज़्यादा रीडिंग लेने के बाद क्या करेंगे आप? शायद कभी एक्सपेरिमेंट किया तो आपको पता है, उन सब का एवरेज निकालते हैं. करें सो अब मैं इसको नंबर्स के टर्म में आपको एक्सप्लेन करूँगा, मतलब फॉर्मूले के टर्म में. किसी भी एरर को कम करने का बेस्ट तरीका है यू टेक लॉट ऑफ रीडिंग्स, उसके बाद मैं बताता हूँ. सो सपोज आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आपने बहुत सारी रीडिंग्स ले ली. फर्स्ट रीडिंग सपोज A1 है, सेकेंड वैल्यू सपोज A2 है, थर्ड वैल्यू इज A3, ऐसे करते करते बहुत लास्ट वैल्यू इज AN. अब इन सब के आप आधे डाल दो बच्चों, बहुत सारी रीडिंग्स है, तो A1 A2 A3 लाइक दैट, द लास्ट इज AN. N रीडिंग्स आई हैव टेकन. So I have taken N readings. अब इनमें से कौन सी मेरे measured value के सबसे बराबर है मुझे नहीं पता है, समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेंगे? ऐसा करने के बाद first step you take lot of readings, second step you find their mean, arithmetic mean find करोगे या सारे value को आप add कर लोगे, A1 plus A2 प्लस A3, ऐसे करते 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 लास्ट AN तक सारी वैल्यूज को ऐड करो और फिर डिवाइड करो जितने नंबर्स को ऐड किया उतने से. कैसे फाइंड करते हैं एवरेज? दो नंबर का ऐड और डिवाइड बाई टू, तीन नंबर ऐड एंड डिवाइड बाई थ्री, N नंबर्स, ऐड ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड बाई N. ये जो वैल्यू बच्चों आई है इसको हम बोलेंगे A का मीन वैल्यू. क्या बोलेंगे इसको? A का मीन वैल्यू. एंड इस वैल्यू को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. जैसे बच्चों सोचो, हम अगर एक एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, एक कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे वही वो लेंथ वाला एक्सपेरिमेंट, एक ऐसे लेंथ थी वो 20.5 थी, मैंने 10 स्टूडेंट्स को बोला मेजर करो, सबने कुछ ना कुछ वैल्यू दी. अगर मैं सबका एवरेज निकालूंगा बच्चों तो क्या लगता है वो जो एवरेज वैल्यू आया रहेगा वो सबसे एक्यूरेट या सबसे एक्यूरेट की सबसे नज़दीक की वैल्यू होगी. दैट इज इट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. ये वैल्यू राइट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है.
सो वी कॉल इट एज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. अब बच्चों एक बार आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ गई, जैसे वी हैव टाइम बच्चों, आप अच्छे से समझो इसको, एरर होने ही वाला है, होने ही वाला है. कम कैसे करें, ज्यादा रीडिंग लो. ज्यादा रीडिंग लेके क्या करोगे, एवरेज फाइंड करोगे, मीन फाइंड करोगे, उसके बाद एरर कैसे मिलेगा. देख सपोज A1 ने जो रीडिंग ली थी दैट वॉज 20.6 और जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आई वो आई मान लीजिए 20.5. तो A1 की वैल्यू राइट है, उसमें एरर है, एरर है. कितने का एरर है, सोच सच्ची बोल, कितने का एरर है, 0.1. कैसे किया, सब्ट्रैक्ट किया. समझ में आया. सो अब आपके पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है और हर एक वैल्यू भी आपके पास. सी दिस इज द मीन वैल्यू और हर एक वैल्यू. अब एरर आपको चाहिए तो क्या करोगे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के बराबर मान लेते हैं, फिर हर एक वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको एरर मिल जाएगा. समझ में आया. तो दीज आर ऑल मेजर्ड वैल्यूज एंड दीज इज एक्चुअल वैल्यू, ऐसा मानते हैं. अब एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस विल गिव यू द एरर. समझ में आया. सो नाउ आई विल फाइंड एब्सोल्यूट एरर. एक्सक्यूज मी, एब्सोल्यूट क्यों बोला सर, हर एक वैल्यू का अपना अपना एरर कितना है, इंडिविजुअल एरर कितना है. सो इट इज एब्सोल्यूट, खुद का एरर क्या है, सो एब्सोल्यूट. ओके, सो एब्सोल्यूट एरर. अब इसको लिखेंगे से, इसको भी हम लिखते हैं डेल्टा से. ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, सबको फॉलो करना है. डेल्टा A1, इसको मेरे बच्चे पढ़ेंगे डेल्टा A1, दिस इज हाउ यू विल रीड इट, बट हाउ विल यू अंडरस्टैंड, दिस इज गोइंग टू गिव यू एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट. डेल्टा A1 ऐसे पढ़ते, बट उसका मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट. और उसको हम लिखते हैं ए मीन माइनस A1. उसको हम हमेशा मॉड में लिखते हैं. सर ये क्या होता है मॉड, अगर कभी भी पॉसिबिलिटी की नंबर नेगेटिव आ जाए और उसको आप पॉजिटिव करना चाहते हो तो ऐसे आप मॉड में लिखते हो. अगर नंबर नेगेटिव, वी डोंट नो, मतलब ए मीन की वैल्यू बड़ी है, जैसे देखिए यहां पर ए मीन छोटा और A1 बड़ा है, तो एक्चुअली होना चाहिए A1 माइनस ए मीन. सो आई डोंट नो ना अभी एक्चुअल में कौन बड़ा कौन छोटा है, इसलिए मॉड यानी कि या तो वो ए मीन माइनस A1 हो सकता है या तो A1 माइनस ए मीन हो सकता है. दोनों का डिफरेंस लेना है, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है, कौन बड़ा कौन छोटा मुझे नहीं पता. सो आई राइट मॉड, मॉड मॉड यानी वी आर नॉट श्योर, इट इज ऑलवेज बड़े में से छोटा. अलग अलग जगह इसका मीनिंग अलग भी हो सकता है, बट अपने लिए इसका मीनिंग क्या है, ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू. एज ऑफ नाउ आई डोंट नो कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है. सो वॉट विल बी एरर इन मेजरमेंट ऑफ सेकेंड वैल्यू, इट विल बी ए मीन माइनस A2. लाइक दैट माई स्टूडेंट्स, लास्ट वाले में कितना होगा, सब लोग बोलो भाई, सब लोग प्लीज बोलो, ए मीन माइनस An. सो ये सर ने क्या ढूंढा, सबसे पहले मेजर्ड वैल्यू, उसके बाद मीन वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जिसको मानते हैं, फिर हर एक वैल्यू का एरर, एब्सोल्यूट एरर. अब हम क्या करते पता है, क्या करते सर बताओ, हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आफ्टर दिस मीन एब्सोल्यूट एरर. इसका मतलब सबके वैल्यू में एरर है पर उसका एरर का भी एवरेज एरर कितना आ रहा है. हो सकता है किसी का 0.1 है, किसी का 0.2 है, किसी का 0.3 है, किसी का एरर आई नहीं, तो कुछ एवरेज एरर भी तो आया रहेगा. तो वह एवरेज एरर हम ढूंढते हैं, वी कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर. उसके नाम में ही आंसर है, देख मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन. मीन वैल्यू क्या होता है, सब वैल्यू को ऐड करके डिवाइड करना. सो मीन एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन फाइंड करना. अब बता एब्सोल्यूट एरर का मीन, डेल्टा A1, मीन फाइंड करना मतलब ऐड करके डिवाइड करना, सो डेल्टा An डिवाइडेड बाय N आएगा. ये क्या है बच्चों, सर ये मीन वैल्यू है, पर किसकी मीन वैल्यू है, एरर की है. सो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज डेल्टा A मीन, मतलब ये मीन है किसका, एरर का. सो मीन एब्सोल्यूट एरर, पहले बहुत सारा रीडिंग लिया,
फिर सबको ऐड करके डिवाइड किया, यू गेट मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. फिर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और आपकी वैल्यू में कुछ तो मिसमैच होगा, दैट इज नोन एज एरर. एरर इन वन, एरर इन टू, एरर इन एन, वी कॉल देम एज एब्सोल्यूट एरर. सारे एरर को ऐड करो तो एक एवरेज एरर आएगा, वी कॉल इट एज मीन एब्सोल्यूट एरर. व्हाट डू वी कॉल इट एज? मीन एब्सोल्यूट एरर. अब यहां पर एक और टर्म बच्चों आता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर. ये कैलकुलेशन पूछते हैं सब क्वेश्चंस में. रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर स्टूडेंट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू और द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. व्हाट इज रिलेटिव एरर? रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू. अगर आप इसी को परसेंटेज में फाइंड करना चाहो, दैट इज द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग, परसेंटेज एरर. ऐसे नहीं लिखना चाहिए, परसेंटेज एरर. व्हाट इज परसेंटेज एरर? इट इज रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100. यानी कि डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100 विल गिव यू परसेंटेज एरर. बस ये पांच सेट ऑफ थिंग्स आपको याद रखनी है. बहुत सारा रीडिंग लिया आपने, फिर बहुत सारी रीडिंग को ऐड करके डिवाइड किया, बोल क्या मिला? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. फिर हर एक वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड किया, बोल क्या मिला? एब्सोल्यूट एरर. सारे एब्सोल्यूट एरर को ऐड किया और फिर से डिवाइड किया तो क्या मिला? मीन एब्सोल्यूट एरर. फिर मीन एब्सोल्यूट एरर और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को डिवाइड किया, बोल क्या मिला? रिलेटिव एरर. उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया, बोल क्या मिला? परसेंटेज एरर. वापस से बहुत सारा रीडिंग लिया आपने, A1, A2, A3, AN तक, सबको ऐड करके N से डिवाइड किया, बोल क्या मिला? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और हर एक वैल्यू का डिफरेंस फाइंड किया, बोल क्या मिला आपको? एब्सोल्यूट एरर. सारे एब्सोल्यूट एरर को ऐड किया और फिर डिवाइड कर दिया, बोल क्या मिला? मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू को डिवाइड किया, बोल आपको क्या मिला? रिलेटिव एरर. उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया, बोल क्या मिला? परसेंटेज एरर. अब मेरी तरफ नहीं देखना, दूसरी तरफ देखो ईमानदारी से. अब भी कभी ये स्टेप्स याद करना है. सबसे पहले बहुत सारा रीडिंग लिया, फिर सबको ऐड करके डिवाइड किया, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और हर एक वैल्यू का डिफरेंस एब्सोल्यूट एरर. सारे एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके डिवाइड किया, मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू को डिवाइड किया, रिलेटिव एरर. मल्टीप्लाई बाय 100 किया, परसेंटेज एरर. जिस तरफ देख रहे थे उसके अपोजिट साइड पे देखो. हाँ, वापस से बोलो. चलो क्या करेंगे? बहुत सारी रीडिंग ली, फिर सारी रीडिंग को ऐड करके डिवाइड किया, क्या मिला? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. हर एक वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का डिफरेंस, बोल क्या मिला? एब्सोल्यूट एरर. सारे एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके डिवाइड किया, मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू को डिवाइड किया, रिलेटिव एरर. मल्टीप्लाई बाय 100 किया, परसेंटेज एरर. लास्ट बार मेरी तरफ देख के बोलो. बहुत सारा रीडिंग लिया, सारे रीडिंग को ऐड करके डिवाइड किया, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और हर एक वैल्यू का डिफरेंस गिव्स यू एब्सोल्यूट एरर. सारे एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके डिवाइड किया, मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को डिवाइड किया, रिलेटिव एरर. मल्टीप्लाई बाय 100 किया, परसेंटेज एरर. सो दिस इज व्हाट वी हैड टू डिस्कस टुडे. नेक्स्ट टाइम जब मिलोगे इसको रिवाइज करके आना. थैंक यू सो मच.